सुजीत कैसा लगा मंदिर में? बहुत अच्छा लगा भाई, बहुत अच्छा लगा। आप रिवील कर दीजिए, पानारी बगान में लोकेटेड है वाला मंदिर, नाम पता नहीं है, सॉरी फॉर दिस। तो गाइस हम लोग ये मंदिर में घुस गया है, देख सकते हैं अभी ये इतना बड़ा बड़ा मतलब मंदिर जो है बहुत पुराना मंदिर है। बहुत छोटा था तब आया था हम मंदिर में, बहुत सारा मतलब क्या क्या बोलते लायन मतलब जो जो मतलब मंदिर में यूनिक टाइप का कुछ मंदिर बनाया हुआ है। ये बाबा भोलेनाथ का शिवलिंग है और ये बड़ा बड़ा मूर्ति सब है, देख सकते हो मतलब बहुत ही पुराना स्कल्पचर है। और ये जगन्नाथ का तो गाइस देख सकते हैं हम लोग है मंदिर में, थोड़ा मतलब आया राइड करके थोड़ा दूर में और यहाँ हम लोग मंदिर में आया है। तो देख सकते हैं क्या क्या है, पानारी बगान में लोकेटेड है मंदिर। जब भी भुटिया पुखरी आएगी आप लोग, ये वाला मंदिर आप लोग को दिखाई देगा, रास्ता में ही है टर्निंग के पास में। और इतना सारा डिटेल्स में पता नहीं है मंदिर का विषय में, लेकिन मंदिर जो है बहुत पुराना है। और ये मंदिर में देख सकते काफ़ी सारा मतलब कुछ कुछ ड्रॉ किया गया है और पुराना स्ट्रक्चर में बना हुआ है मंदिर। मतलब मंदिर का एक्चुअल नाम क्या है वो भी मालूम नहीं है। तो गाइस इस वाले मंदिर में हर एक देवी देवता का मूर्त मतलब बनाया हुआ है, ये भोले बाबा देख सकते हो, कूल लग रहा है पूरा। तो ये है हनुमान जी का मूर्त, देख सकते हो कंधे में राम और लक्ष्मण को बिठाया हुआ है। उधर गणपति बप्पा पीछे। तो गाइस मंदिर देख लिया और बहुत अच्छा लगा मंदिर देख के, और अभी बाहर निकल गए, अभी बाहर से एक झलक दिखाते हैं, देख सकते हैं क्या खूबसूरत सा मंदिर है यहाँ पे। और सुजीत कैसा लगा मंदिर में? बहुत अच्छा लगा भाई, बहुत अच्छा लगा, आप भी जरूर आना भाई। तो गाइस लोग अगर आप लोग आते हैं तो पनारी आ जाना मंदिर देखने के लिए, भुटिया पुखरी जाने वाले रास्ते में ही है। बाय 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 बाय।